यानी शास्त्री पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पर है। आज शास्त्री पार्क के बाहर पेवर्स लगाने का कार्य शुरू किया गया, जिसका निरीक्षण खुद नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा ने मौके पर पहुंचकर किया। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने यहां मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर के अंदर 40 पार्कों का जो लक्ष्य रखा गया था वह जल्द ही इनके द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा एवं शास्त्री पार्क में भी बहुत जल्द बच्चों के खेलने के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर पालिका परिषद शास्त्री पार्क के बाहर एक सुंदर वाटर कूलर लगा रही है। 10 लीटर पानी ठंडा जल 5 रुपए में लोग भर के ले जाएंगे। आरओ का पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा। ऐसे हम 7 पॉइंट तैयार कर रहे हैं शहर में, जो आरओ का पानी देंगे, ठंडा पानी देंगे। खाली बिजली का बिल जमा हो जाए इसकी व्यवस्था के लिए हमने 1 लीटर पानी 1 रुपए में और 5 रुपए में 10 लीटर पानी ठंडा जल गरीबों के लिए, शहरवासियों के लिए उपलब्ध करा रही है नगर पालिका परिषद। बहुत जल्दी हम टेंडर लगाकर 7 स्थानों पर बस स्टैंड, स्टेशन, शास्त्री पार्क, निचले बाजार, सुगम चौराहे पे कैंट, 7 स्थानों पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। शास्त्री पार्क के बाहर पेवर्स लग रहे हैं, चेयर लगेंगी, सुंदर लाइटें लग रही हैं। ये पूरा जोन एक VIP जोन के रूप में रहेगा। पार्क को सुंदर बनाकर झूले वूले कंप्लीट कर रहे हैं। अंदर पार्क में भी काम चल रहा है। शहर के अंदर 40 पार्कों का जो लक्ष्य था हमारा, हमने अभी 28 पार्कों का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं और पूरे 40 पार्क शहर में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 6 महीने के अंदर।